हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं। जनरली ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करके उनसे हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही अगर आप स्लाइड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहीं हमारे पास ऑप्शन है जहाँ से हम अपना स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस लेक्चर को हम यूट्यूब पे अपलोड करके स्टूडेंट्स के लिए एक इफ़ेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपने किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको टैब्स दी हुई हैं, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मीडिया ग्रुप है। मीडिया ग्रुप में वीडियो ऑप्शन है, ऑडियो ऑप्शन है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। तो उससे पहले मैं आपको एक ऑप्शन बता देती हूँ, क्योंकि अगर हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये स्क्रीन फुल हो जाएगी। तो हम इसे सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से आपने स्लाइड शो पे क्लिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। देखिए सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करके आपने क्या करना है, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, तो इसमें आपकी विंडो कैप्चर हो जाएगी बट फुल स्क्रीन नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर, बिकॉज आपको टास्क बार विजिबल रहेगा और अपनी टैब्स चेंज भी कर सकते हैं इसमें। तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल पे, और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, स्लाइड शो उसी मोड में ही रहेगा बट फुल स्क्रीन नहीं होकर हमारे पास ये हमारा इंडिविजुअल मोड में रहेगा, तो स्क्रीन कैप्चर के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, देखिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, और अभी मैंने आपको बताया मीडिया ग्रुप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से हमारी स्टार्ट होती है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट एरिया, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हम सिलेक्ट एरिया पे क्लिक करेंगे और पर्टिकुलर एरिया हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें लेक्चर में कितना शो करना है। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन एरिया सिलेक्ट करने के बाद हम रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड के बटन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी है हमारे पास, विंडोज़ लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस आर, तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ द रिकॉर्ड बटन। तो मैं रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करती हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे हमारा लेक्चर का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये अब लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम इसे फुल स्क्रीन मोड पे यहाँ स्लाइड शो हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है, और जनरली जिस तरह से आप अपना स्लाइड शो रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से कर सकते हैं, बट पावर पॉइंट में जैसे जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर की हुई है। तो इसमें हम अपने लेक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ईजिली, और साइड बाय साइड यहाँ रिकॉर्डिंग भी हमारी होती जाएगी। तो अब आप ये देखिए किस तरह से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर जब आपको लगे कि स्लाइड्स कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर ली हैं आपने और आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है विंडोज़ की प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। ओके, जैसे हमने स्टार्ट करने के लिए मैंने अभी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बताया था, उसी तरह से अब आपने क्या करना है, विंडोज़ की शिफ्ट प्लस क्यू। तो इससे देख सकते हैं आपकी रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जब मैंने स्केप की प्रेस की तो आप प्रेजेंटेशन पे वापस आ गए हैं, क्योंकि हमारा स्लाइड शो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्लाइड पर ये लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये आप रन कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्ले, देखिए प्ले का बटन दिया हुआ है हमें, हो चुका है। तो ये अब लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम इसे फुल स्क्रीन मोड पे यहाँ स्लाइड शो हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है, और जनरली जिस तरह से आप अपना, तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। और अगर आप इस लेक्चर को अब यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं सो लाइक, तो हम आप इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव मीडिया एज। ओके, इस मीडिया फाइल को आप अपने कंप्यूटर में
लाइक मैंने इसे वीडियोस फोल्डर में ओके स्क्रीन रिकॉर्ड के नाम से सेव कर दिया इस लेक्चर को. ओके तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मेरा लेक्चर वीडियोस में मैंने अभी सेव किया है, तो ये आपको दिखाई देगा स्क्रीन रिकॉर्ड के नाम से यहाँ सेव हो चुका है. और इसको अब इसके बाद आप यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को अगर आप सेंड करना चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, LMS पे या गूगल क्लासरूम में, कहीं पर भी आप अपलोड करना चाहते हैं, तो इस मीडिया फाइल को आप अपलोड भी इजीली कर सकते हैं. तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही ईजी है यूज़ करने में. अदरवाइज़ हमारे पास वैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम सेपरेटली रन कर सकते हैं और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं. ओके तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बताया है. थैंक यू.